21 का नया गेम प्ले ट्रेलर आ गया है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे वो नया गेम प्ले ट्रेलर और बात करेंगे 6 नए गेम प्ले फीचर्स की। एक्सप्लेन करूंगा मैं क्या है वो फीचर्स और कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हो गेम में। तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते, जाते हैं सीधा फीफा 21 का नया ऑफिशियल गेम प्ले ट्रेलर आपके सामने। मैं हूँ प्लेयर नंबर 1 गेमिंग एवरीथिंग में से, स्वागत करता हूँ आप सबका इस चैनल पे। शुरू करते हैं यहाँ पे फीफा 21 और ये इंटर मिलान ऑफिशियल टीम लाइसेंस टीम हो गई है। और ये देखो ओ हालैंड का सेलिब्रेशन, और ये एक नया फीचर लाया गया है जिसके बारे में बात करूँगा मैं आपसे, जिसको अजाइल ड्रिबलिंग और पोजिशनल पर्सनैलिटी क्रिएटिव रन्स ये सब नाम दिए गए हैं। ओहो, ये देखो ये अजाइल ड्रिबलिंग की बात कर रहे हैं एम्बापे, और ये नए जर्सीज भी आ गए सब टीम्स के। और यहाँ पे सन उसका पैर का जादू दिखा रहा है डांस करते हुए। स्टर्लिंग इस बार, और क्या पास दिया महारेस को, महारेस का फिनिश। और ये अभी डिफेंस में जो नए फीचर लाए वो दिखा रहे हैं। यहाँ पे स्किल्स भी नए लाए हैं, 2 नए स्किल इंट्रोड्यूस किए। ओहो क्या टैकल था वैन डाइक का, क्रिएटिव रन्स यही बात कर रहा था मैं, ये नया फीचर है। और ये आई थिंक मेरे हिसाब से गेम प्ले रिलेटेड सबसे बड़ा फीचर मुझे लग रहा है, सबसे नया फीचर, क्योंकि बाकी फीचर्स कह सकते हो आपकी पहले ऑलरेडी थे और उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया। ये फीचर पहली बार हमें फीफा में देखने मिल रहा है। ये देखो साला का रन देखो कितना बढ़िया तरीके से बॉक्स में आ गए। और यहाँ पे एक नया लॉक सिस्टम है जो हालांकि नया नहीं है, प्लेयर करियर में था, पर वो उसको आप नॉर्मल गेम में भी यूज़ कर सकते हो। ओहो ये प्लेयर पोजिशनिंग का गेम प्ले बता रहे हो। अगुआरे का रन देखो, ये देखो ऑफ साइड जा रहे तो रुक गए और ऑफ साइड जाने से बचाए और फिर स्कोर किया। तो ये सब प्लेयर स्किल्स प्लेयर पर्सनालिटी में आता है, उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा ये ट्रेलर के बाद। और ये देखो डिफेंस भी कितना इम्प्रूव किया है, ग्राफिक्स में कुछ चेंजेस नहीं लग रहे और लगेंगे भी नहीं, सेम ग्राफिक्स होंगे। पर होपफुली जो नेक्स्ट जनरेशन कॉन्सोल्स होंगे उस पर ग्राफिक्स में चेंज दिखने मिलेगा। ऑलरेडी अगर आप फीफा के वेबसाइट पे, ईए स्पोर्ट्स के वेबसाइट पे आर्टिकल पढ़ते हो तो वहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी बताया है कि ये जो पूरा गेम प्ले ट्रेलर है, गेम प्ले नोट्स है, इसमें एक भी प्लेस्टेशन 5 या फिर एक्सबॉक्स सीरीज एक्स का फीचर नहीं होगा। ये एक्सक्लूसिवली करंट जनरेशन गेम्स के ऊपर ट्रेलर है। यहाँ पे हमें हेडर्स और लॉन्ग थ्रू पास देखने मिल रहे हैं। तो ये फीचर्स ऑलरेडी गेम में थे, इसको थोड़ा इम्प्रूव किया है। और ये नया कॉम्पिटिटर मोड लाया है, इसके बारे में मैं बताऊँगा आपको। और ये ओहो क्या बीट किया। और ये नया फीचर है गेम प्ले रिवाइंड, ये थोड़ा अनोइंग फीचर लग रहा है मुझे कि अगर आप एक अभी देखो इस बार फिनिश कर दिया तो एक बार आपने शूट किया, अगर सपोज आप पेनल्टी ले रहे हो, पेनल्टी मिस किया, तो जो किक ऑफ मोड है, एग्जीबिशन मोड है, उसमें आप वो पेनल्टी या फिर वो मोमेंट फिर से ले सकते हो और वहाँ पर वो फिर से रिवाइंड करके उसको सुधार सकते हो। तो सपोज डिफेंडर आप एक टैकल किया, अगर गलत टैकल गया, रेड कार्ड मिल गया, तो आप उसको रिवाइंड करके वो टैकल सुधार सकते हो। तो ये था ट्रेलर, अभी जाते हैं ईए स्पोर्ट्स के वेबसाइट पे। यहाँ पे हम आ गए फीफा के पिच नोट्स पे। ये पहला पिच नोट है, डीप डाइव इनटू गेम प्ले, और यहाँ पे बहुत ही बड़ा आर्टिकल है, मैं आपको बोर नहीं करने वाला हूँ पूरा पढ़ के। तो यहाँ पे मैं आपको 6 मेन जो फीचर्स हैं नए वो उसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे 6 फीचर्स है। पहला है प्लेयर पर्सनैलिटी, अजाइल ड्रिबलिंग, पोजिशनिंग पर्सनैलिटी, क्रिएटिव रन्स, नेचुरल कोलिजन सिस्टम एंड फंडामेंटल्स ऑफ फुटबॉल। तो अभी ये 6 नए फीचर्स को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो पहला जो है ये सबसे वास्ट फीचर है जो पूरे गेम को अफेक्ट करता है, प्लेयर पर्सनैलिटी। तो ये जो प्लेयर पर्सनैलिटी वो बेसिकली, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्लेयर्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो सपोज़ फीफा 20 तक
हर एक प्लेयर के 6 या 8 अलग अलग एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी कि पासिंग, शूटिंग, फिनिशिंग, जो भी कुछ है, पेस। तो अभी ये एट्रीब्यूट्स को बढ़ाया है, बहुत सारे नए एट्रीब्यूट्स लाए हैं और बहुत बहुत छोटे छोटे एट्रीब्यूट्स है जिससे हर एक प्लेयर का ओवरऑल जो एट्रीब्यूट्स होगा, ओवरऑल उसका पर्सनैलिटी होगा, वो चेंज होगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप पास कर रहे हो, थ्रू पास कर रहे हो, तो पहले सिर्फ आपका पासिंग देखते थे, पासिंग एट्रीब्यूट कितना होता था उसके ऊपर वो पास हुआ था। पर अभी सिर्फ पासिंग नहीं होगा, पासिंग के साथ आपका विजन एट्रीब्यूट देखा जाएगा, आपका कंपोजर एट्रीब्यूट देखा जाएगा, और ये तीनों का जो ओवरऑल होगा उसके हिसाब से आपका पास जाएगा। तो जैसे अभी फॉर एग्जांपल कोई एक प्लेयर होगा, रोनाल्डो होगा, जो क्लच मोमेंट पे अच्छे परफॉर्म करते हैं, तो उनका क्लच मोमेंट पे शूटिंग ज़्यादा बेहतर होगा कंपेयर टू कोई दूसरा प्लेयर। तो ये प्लेयर पर्सनैलिटी जो है, ये ओवरऑल बड़ा फीचर लाया है। कितना इफेक्टिव होगा हमें पता नहीं, पर फीफा कह रहा है कि बहुत इफेक्टिव होगा, तो देखते हैं। नेक्स्ट फीचर है अजाइल ड्रिबलिंग, और ये जो फीचर है आप क्लियरली देख सकते हो। तो अजाइल ड्रिबलिंग जो है, तो ये एक्चुअली लास्ट 2 साल से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, तो इसमें इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। तो अजाइल ड्रिबलिंग यहाँ पे दिखा है, आपकी स्क्रीन पे देख रहा होगा। तो ह्यूमिन सन है, और आपको बेसिकली करना है कि आपको आपका R1 दबाना है, PS4 अगर आपके पास होगा, या तो R1 PC का होगा, तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कौन सा कंट्रोल, पर वो दबाना है। और फिर आपका जो राइट स्टिक है, सॉरी आपका जो लेफ्ट स्टिक है, तो RB फॉर Xbox और R1 फॉर PlayStation, और जो आपका लेफ्ट स्टिक है वो मूव करना है, और उससे प्लेयर ड्रिबल बहुत फास्ट करेगा। तो जो ड्रिबलिंग एक्सपर्ट्स है, यानी कि ह्यूमिन सन, स्टर्लिंग, फिर रोनाल्डो, मेसी, तो ये जैसे प्लेयर जिनका ड्रिबल बहुत अच्छा है, तो R1 दबा के अगर आप लेफ्ट स्टिक यूज़ करोगे तो अजाइल ड्रिबलिंग करेंगे और फास्ट ड्रिबलिंग करेंगे, और उससे आप डिफेंडर्स को चकमा देके आगे जा सकते हो। फिर तीसरा फीचर मैंने कहा पोजिशनिंग पर्सनैलिटी। तो पोजिशनिंग पर्सनैलिटी बेसिक फीचर है, पर बेसिकली फीफा का कहना है, ESports का कहना है कि सपोज आप केविन डेब्रॉयने हो और आपका एक्सपर्टीज पासिंग में है, तो आप ऐसे पोजीशंस ढूंढोगे जहाँ से आप वो बेस्ट एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो अगर आपको थ्रू पास देना है, तो आप केविन डेब्रॉयने हो, तो ऐसे जगह जाओगे आप जहाँ से आप वो थ्रू पास बेस्ट तरीके से दे सकते हो। या फिर आप सर्जियो अग्वेरो हो, तो आपका फिनिशिंग मास्टरी है, तो आप जो रन्स लोगे, क्रिएटिव रन्स लोगे, वो बहुत एक्सपर्ट होंगे आपके फिनिशिंग के ऊपर। और अगर कभी ऐसे मोमेंट्स आए कि आप ऑफसाइड चले गए, या फिर ऑफसाइड ट्रैप लगा दिया और आप जा रहे हो, तो आप आपके रन को कंट्रोल करोगे और ऑफसाइड नहीं होंगे। तो ये मेनली फीचर उनके लिए जब जो प्लेयर्स को आप नहीं कंट्रोल कर रहे हो, यानी कि जो AI होता है जो आपके साथ खेलेगा, तो वो प्लेयर्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो प्लेयर को आप कंट्रोल करें वो तो आपके हिसाब से चलेगा, तो वो ये सब नहीं सुनेगा। जो AI करता है उसके लिए ये पोजिशनिंग पर्सनैलिटी है। इसमें अटैकिंग और डिफेंस ऐसे दो अलग अलग लाए हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अटैकिंग होगा, तो अग्वेरो उसका रन अभी देखो, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो यहाँ पे प्लेयर देखो ऑफसाइड से बचने की कोशिश कर रहा है, और वही डिफेंस में होगा तो वैसे स्मार्टली ज़्यादा डिफेंस करेगा। फिर नेक्स्ट उन्होंने फीचर डाला है क्रिएटिव रन्स, और ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। क्रिएटिव रन्स बेसिकली क्या होता है कि आप डायरेक्टेड रन्स कर सकते हो। तो अगर आपके पैर पे बॉल है, तो यहाँ पे आप दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, जैसे आपने ट्रेलर में भी देखा कि साला ने बॉक्स में रन डाला था, तो अगर आप बॉक्स के बाहर हो, आपके पास बॉल है और आपको पास करना है किसी को, थ्रू पास करना है, तो आप पास का बटन दबा सकते हो, L1 दबा सकते हो, और आप जो राइट स्टिक है वो डिरेक्शन में दबा सकते हो, तो जो दूसरा प्लेयर जो आप होप करते हो कि जाएगा उधर, तो वो प्लेयर वैसा क्रिएटिव रन देगा। ये एक्सप्लेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है, पर अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो आपको मालूम पड़ेगा, उन्होंने दिखाया ट्रेलर में कि कैसे क्रिएटिव रन लेते हैं। और ये फीचर वोल्टा में भी बहुत यूज़फुल होगा,
फिर जो है प्लेयर लॉक, ये यही क्रिएटिव रन का रन के फीचर का एक सब फीचर है। तो प्लेयर लॉक बेसिकली आप गेम में कोई भी मोमेंट पे अचानक से प्लेयर मोड में जा सकते हो, इंडिविजुअल प्लेयर मोड में जा सकते हो। तो सपोज़ आप लियोनेल मेसी हो, आपने पास किया सर्जियो बुस्केट्स के पास और आप होप कर रहे हो कि बुस्केट्स आपको ऐसा अच्छा पास दे देंगे बॉक्स में जहाँ से आप फिनिश कर पाओगे, पर अभी वो मेसी को बॉक्स में लेके जाने का है और आपको पता है कि एआई वो नहीं करेगा, तो आप मेसी पे लॉक कर सकते हो, मेसी को आप बुस्केट्स को पास देने बोल सकते हो और फिर मेसी को ही लेके आप बॉक्स में जा सकते हो, बुस्केट्स उसके हिसाब से पास देगा, आप सिर्फ मेसी को कंट्रोल करोगे और फिर मेसी को लेके स्कोर करोगे। तो ये बेसिकली प्लेयर मोड का फीचर है, पर यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि आप नॉर्मल गेम में भी ये फीचर यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको L3 और R3 दोनों साथ में दबाना होगा या फिर LSB और RSB और फिर वो फीचर ऑन होगा। तो ये था क्रिएटिव रन्स का फीचर। अभी जो पांचवा फीचर है वो है नेचुरल कोलिजन सिस्टम। तो बेसिकली ये फीचर मतलब फीफा कह रहा है कि हम बग्स कम करेंगे गेम में से, ग्लिचेस कम करेंगे। तो बेसिकली उनका कहना है कि पहले अगर बहुत बार डी के पास बॉल बॉक्स में बॉल होगा तो बहुत बार प्लेयर्स एक दूसरे को सेंस नहीं कर पाते थे, एक दूसरे पे बम्प होके गिरते थे, तो यहाँ पे वो ज़्यादा अच्छे से सेंस करेंगे। अगर आप उनको दिख रहा है कि कोई प्लेयर नीचे गिरा हुआ है तो दूसरा प्लेयर उससे टकराएगा नहीं, उसके ऊपर से जंप मारेगा और वो कोलिजन अवॉइड करने का कोशिश करेगा, तो उससे ग्लिचेस कम होंगे। तो पर यहाँ पे मतलब ज़रूर पक्का ये तो फीचर मतलब ग्लिचेस तो गेम में से जाने नहीं वाले, तो ये फीचर ज़रूर वो कह रहे हैं कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, पर मेरे हिसाब से हमें और भी ग्लिचेस देखने मिलने वाले हैं। तो आखिरी फीचर है फंडामेंटल्स ऑफ फुटबॉल, और यहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ फुटबॉल यानी हेडर, पासिंग, टैकलिंग, फिर ब्लॉकिंग, ये सब जो फंडामेंटल्स है तो उसके बारे में कहा है कि बेसिकली वो कह रहा है कि फीफा 20 में उन्होंने खुद ने हेडर्स की पावर कम कर दी थी क्योंकि उन्होंने बाकी सब इम्प्रूवमेंट ज़्यादा थे और उनका होप था कि आप वो फीचर्स ज़्यादा यूज़ करोगे, इसलिए उन्होंने हेडर्स का पावर कम कर दिया था। ऐसे खुद फीफा इसमें एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अभी हेडर्स का उन्होंने पावर इम्प्रूव किया है और वो अभी प्लेयर्स को मैन्युअली पावर देंगे हेडर को डायरेक्ट करने का, और हेडर को कितना पावरफुल बनाने का वो मैन्युअल सिस्टम देंगे। तो इंटरेस्टिंग है ये कितना इफेक्टिव होता है हमें खेलने के बाद ही मालूम पड़ेगा। यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि लुकाकू ने कितना अच्छे से फिनिश किया, पर देखते कितना यूज़ होता है ये एक्चुअल गेम में एक्यूरेटली। और वैसे डिफेंडिंग में भी उन्होंने जो साइड टैकल होता है वो इम्प्रूव किया है बहुत, और एनिमेशंस भी बहुत सारे इम्प्रूव किए। तो साइड टैकलिंग उन्होंने कहा है कि पूरा ग्राउंड से उन्होंने इम्प्रूव किया है, और जो सील आउट होता है यानी कि जब बॉल बाहर जा रहा है और आपको इंश्योर करना है कि बॉल को दूसरा प्लेयर टच नहीं करेगा, तो वो भी उन्होंने इम्प्रूव किया है, ब्लॉकिंग इम्प्रूव किया है। और ये सब जो इम्प्रूवमेंट्स होंगे वो जैसे प्लेयर का एट्रीब्यूट होगा उसके ऊपर होगा, और वो प्लेयर का एट्रीब्यूट प्लेयर पर्सनैलिटी फीचर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। पासिंग में भी थ्रू पासिंग में उन्होंने इम्प्रूवमेंट्स किए, उन्होंने कहा है कि आप अभी थ्रू पास ज़्यादा एग्रेसिवली कर पाओगे, उसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से दिशा दे पाओगे। क्रॉसिंग में उन्होंने नए क्रॉसेस लाए, विप्ड क्रॉस लाया, और ये उन्होंने कहा है कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड का जो एक्सपर्टीज़ है उनके विप्ड क्रॉसेस का, या फिर आप केविन डेब्रानो के भी अगर देखोगे तो उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने ये फीचर लाया। तो अगर आप R1 या फिर RB और L1 और LB साथ में दबाओगे और फिर क्रॉस करोगे तो ज़्यादा एग्रेसिवली ज़्यादा ज़ोर से क्रॉसिंग जाएगा। और इसमें भी तीन ऑप्शन है, आप एक तो हवा में ज़ोर से क्रॉस कर सकते हो, या फिर आप वेस्ट हाइट पे कर सकते हो ताकि वॉली मार पाओगे, या फिर आप ग्राउंड से ड्रिवन क्रॉस कर सकते हो। तो ये थे बेसिक इम्प्रूवमेंट्स। अभी उन्होंने कहा है कि एनिमेशंस भी इम्प्रूव किए, बहुत सारे सेलिब्रेशंस नए लाए हैं, दो नए स्किल्स लाए, ब्रिज स्किल और डायरेक्शनल नटमेक। फिर उन्होंने
एक ऑप्शन अच्छा लाया, इंटरेस्टिंग ऑप्शन, कि आप फाउल का जो एडवांटेज प्ले करते हैं तो वो आप कैंसिल कर सकते हो बटन दबा के। फिर टैकलिंग में भी अगर आपको इंस्टेंटली हार्ड टैकल करना है तो उसके लिए ऑप्शन दिया है। फिर फिनिश शॉट इम्प्रूव किया है। तो अभी ये सब जो चीज़ें हैं गेम प्ले की, ये हमें एक्चुअल गेम खेलने के बाद ही पता चलेगा। तो देखते हैं क्या होता है। इंटरेस्टिंग ट्रेलर लगा मुझे, ज़्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग कुछ नहीं था, पर मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या आप डिसअपॉइंटेड हो, मुझे नीचे कमेंट में बताइए। मुझे ट्रेलर डिसेंट लगा, मुझे नए फीचर्स भी एवरेज लगे, पर मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पर होपफुली गेम फीफा 20 से बेटर हो और खेलने में मज़ा आए। तब तक के लिए दोस्तों इतना ही इस वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगे। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मैं हूँ प्लेयर नंबर 1 गेमिंग एवरीथिंग में से। शुक्रिया वीडियो आखिर तक देखने में।